हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलास किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मटका कुल्फी। और इस मटका कुल्फी को बनाने के लिए सिर्फ हम 2 गिलास दूध का यूज़ करेंगे और ना किसी सांचे की ज़रूरत है और ना किसी मोल्ड की ज़रूरत है। फिर भी देखिए, मटका कुल्फी बन के रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आएगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए कुल्फी बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं यहाँ पर देखिए चीनी ले लेती हूँ और मैंने यहाँ पर खोआ लिया है। खोआ से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो मैंने खोआ भी ले लिया है। और फ्लेवर के देखिए, मैं यहाँ पर इलायची ली हूँ फ्लेवर के लिए। 6 से 7 इलायची ले लेंगे और दूध तो लगेगा ही लगेगा। दूध हमने रखा हुआ है और इन सभी चीज़ों को साइड में रख लेते हैं। और पहले हम गैस की तरफ चलते हैं। तो देखिए, गैस के ऊपर मैंने एक कढ़ाई रख लिया है और कढ़ाई के अंदर मैं चीनी डाल लेती हूँ। तो चीनी को हमें पहले मैराइज करना है, तो इसको हम मेल्ट करेंगे। अभी हम गैस का फ्लेम थोड़ा तेज रखेंगे और चीनी को मेल्ट होने देते हैं। तो देखिए, चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं। और इसको इस तरह से चलाते रहेंगे स्पैचुला से और इसे मेल्ट कर लेंगे। तो देखिए, चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, गैस को बिल्कुल मीडियम कर देंगे, एकदम धीमी आंच कर देंगे। अब इसको इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे और उसके बाद जब इस तरह का कलर आ जाएगा तो गैस को हम ऑफ कर देंगे, नहीं तो बहुत ही जल्दी जलना स्टार्ट हो जाता है चीनी। तो इसलिए गैस को ऑफ कर दीजिए और इस तरह से इसे चलाते रहिए। अब उसके बाद में क्या करेंगे, गैस ऑफ करने के बाद में हम इसके अंदर डालेंगे दूध। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब डालेंगे। तो दोनों गिलास के दूध मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ। आप चाहें तो अलग से पैन वगैरह में चीनी को मेल्ट करके और दूध पकाते रहिए और उसके अंदर डाल सकते हैं, तो वैसे भी बना सकते हैं। लेकिन दो मतलब बर्तन ये हो जाएगा, इसलिए मैं इसके साथ ही बना रही हूँ। इसमें कलेमराइज करेंगे चीनी को और उसी में मैंने दूध डाल दिया है। अब हम गैस को यहाँ पर जला लेंगे और चीनी नीचे से मेल्ट होगी और इस तरह से चलाते रहेंगे दूध और चीनी को, ताकि चीनी जो है ना ये दूध में मिक्स हो जाए। तो देखिए, अगर बिल्कुल चलाते रहना है, थोड़ी सी वक्त लगेगा क्योंकि नीचे पकड़ लिया है, ठंडा हो गया है। तो चीनी जब तक ले मतलब गर्म नहीं होती तब तक ले नीचे पकड़ी रहेगी। तो मैं आपको बताती हूँ, देखिए दूध निकाल करके इस तरह से पकड़ लेता है। तो हमें क्या करना है, लगातार चलाते रहना है, नहीं तो वो पकड़ा हुआ है ना, वो बहुत जल्दी जल जाएगा नीचे से और आपको मालूम भी नहीं होगा। इसलिए मैं दूध निकाल करके आपको बता रही हूँ कि देखिए कढ़ाई में कैसे पकड़ लिया है। अब गैस जला करके और दूध निकाल के मैं आपको इस तरह से निकाल के बता रही हूँ। गैस जलाएंगे तो बहुत ही जल्दी निकालना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, कढ़ाई को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, फिर से मैंने उसमें दूध डाल लिया है। अब इस तरह से चलाते रहेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। तो अब कोई डर नहीं है पकड़ने का और जलने का, और इस तरह से चलाते रहेंगे। तो अब इसको उबाल लेंगे, अच्छे से पकाएंगे और पकता रहेगा तब तक हम यहाँ पर काम कर लेते हैं दूसरा। तो जो हमने दूध बचा के थोड़ा सा रखा था, मैं बोली थी आपको कि आगे बताऊंगी, वही दूध है। और इस कटोरी के अंदर मैं डाल लेती हूँ और उसके अंदर देखिए हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पर 1 चम्मच मैं कॉर्नफ्लोर डाल लेती हूँ और इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। मैं यहाँ पर इसके अंदर मावा यूज़ करूँगी, इसलिए मैं 1 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ उसको मिक्स करके। अगर मैं मावा यूज नहीं करती तो 2 चम्मच यहाँ पर कॉर्नफ्लोर डाल लेंगे। तो दूध के अंदर मैंने मिक्स करके और कढ़ाई के अंदर डाल दिया है कॉर्नफ्लोर। और कॉर्नफ्लोर जब हम इसके अंदर डालते हैं तो लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे कॉर्नफ्लोर बैठ जाता है। और फ्लेवर के लिए देखिए, मैं इलायची डाल रही हूँ और इलायची को मैंने थोड़ा सा चीनी डाल करके खलबट्टे में अच्छे से कूट लिया है और ये रेडी हो गया है। और थोड़ा सा 1 चम्मच मैं चीनी डाल लेती हूँ। आपको बता रही हूँ कि अगर आपको कम ज़्यादा लगेगा, मीठा चख लीजिएगा, तो थोड़ा सा चीनी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 1 चम्मच ही डाला है इसके अंदर। अब इसको अच्छी तरह से उबालेंगे, आधा कर देंगे जला के, देखिए उबाल भर के गाढ़ा कर देंगे बिल्कुल। और जब रेडी हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे खोआ। तो इस खोआ के इसके अंदर मैं डाल लेती हूँ, पहले नहीं डालेंगे खोआ, ऑलरेडी रेडी है पहले से ही बढ़िया से, तो उसे लास्ट में ही डालेंगे। अब इसके अंदर डाल करके और मिक्स कर देंगे और गैस अभी जल रहा है और बिल्कुल मीडियम है। अब इसको मिक्स करने के बाद में हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये रेडी हो गया है बिल्कुल। तो देखिए, हमने ठंडा होने के लिए रख दिया था, ये ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, एक छोटा सा काम है, इस दूध को मैं छान लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है लेकिन छान लेंगे तो अच्छा बनेगा, क्योंकि जो खोआ होता है ना, तो कढ़ाई में खुरचन वगैरह रहता है तो हम कलछी से निकाल लेते हैं और उसमें आ जाता है। तो थोड़ा खाने के टाइम में वो आएगा मुंह के अंदर, आइसक्रीम में तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए देखिए, यहाँ पर छान लेती हूँ और जो इलायची का भी टुकड़ा वगैरह होगा वो भी छान जाएगा। तो ये अच्छे से क्लीन हो चुका है, ये रेडी हो गया है। अब हम इसको गिलास में डालेंगे, तो इसको साइड में रख लेते हैं और गिलास ले लेते हैं।
तो गिलास है, मोल्ड है, जो कुछ भी है उसमें बना सकते हैं। और नहीं है तो इस तरह से डिस्पोजल ले लीजिए, ये चाय वाला डिस्पोजल है और इसके अंदर मैं भर लेती हूँ। और पानी वाला भी डिस्पोजल रहता है, बड़ा वाला गिलास, उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर छोटा वाला यूज़ कर रही हूँ। और सभी गिलास के अंदर देखिए मैंने डाल लिया है, और 7 गिलास यहाँ पर हुआ है। अब यहाँ पर इसको हम पैक करेंगे अल्मोनियम फॉल से। तो इस तरह से अल्मोनियम फॉल लगा लीजिए, और नहीं है तो प्लास्टिक पेपर भी लगा सकते हैं कवर। और सभी को इस तरह से मैं पैक कर दूंगी अच्छे से। उसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर से होल कर देंगे स्टिक लगाने के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, और सभी हमने पैक कर लिया है। और मैं यहाँ पर बादाम डालना, पिस्ता डालना भूल गई थी, तो एक में मैंने डाल लिया है, और सभी पे अल्मोनियम फॉल लगाकर, और देखिए बीच में थोड़ा सा हम चाकू से होल कर देंगे और इस तरह से स्टिक लगा देंगे। तो स्टिक मैं अभी नहीं लगाऊंगी, इसको पहले फ्रिज में रखूंगी, और 2 घंटे के बाद में बीच में हम इसके अंदर स्टिक लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने रख दिया था, और यहाँ पर पूरा 12 घंटे मैंने फ्रिज में रखा हुआ था फ्रीजर में, तो भी ये सेट नहीं हुआ है, यानी कि हमारी कुल्फी जमी नहीं है, वैसे की वैसी ही है। तो निकाल के मैं 12 घंटे के बाद में देख रही हूँ, सेम वैसी ही है। तो इसको मैं कटोरी में निकाल के आपको दिखाती हूँ कि थोड़ा सा ही गाढ़ा हुआ है और ये जमा नहीं है। तो इसलिए हमें फ्रिज को भी चेक कर लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने चेक नहीं किया था, और ये स्प्रिंग पे था, उसी पर मैंने रख दिया था, और ये सेट नहीं हुआ, यानी कि जमा नहीं। इसलिए बिल्कुल कोल्ड पे रखें फ्रिज को, सेट कर लें, उसके बाद में आइसक्रीम रखें और ये अच्छे से सेट जम जाएगा। तो मेरे तरफ भूलिए मत, आप अच्छे से चेक करके और उसके बाद आइसक्रीम रखें, और आपकी भी आइसक्रीम मेरे जैसे बनेगी। तो देखिए मैंने दोबारा इसको फिर से शूट किया है, बनाया है, और उसके बाद मैंने फ्रिज में रख करके इसे अच्छे से जमा लिया है। और देखिए मटका कुल्फी बनके रेडी हो गई है, और बहुत ही बढ़िया। और देख सकते हैं मैं निकाल रही हूँ तो नहीं निकल रहा फ्रेंड्स, एक निकल गया। अगर नहीं निकलता है तो आप क्या करें, एक पतीले में पानी ले लीजिए, और उस पानी में इस गिलास को थोड़ा सा डिप कीजिए ऊपर तक, नहीं थोड़ा सा हिलाइए, और उसके बाद ये अच्छे से निकल जाएगा। और इसी तरह से मैं सारी आइसक्रीम को मैं निकाल लेती हूँ, और जो नहीं निकलेगा उसको मैं पानी से थोड़ा सा डिप कर लूँगी, और उसके बाद निकाल लेंगे। और उससे भी अगर मतलब उससे भी इजी आसान तरीका आपको बताती हूँ। इस तरह से क्या करेंगे, इस गिलास को सीजर से यानी कैंची से इसको काट लीजिए। वैसे भी इस गिलास को फेंकना ही है, तो इस तरह से काट करके और निकाल लेंगे, और बहुत ईजी तरीके से बहुत ही बढ़िया से निकल जाएगा, और इसका शेप भी अच्छा से निकलेगा। देख सकते हैं किधर भी टूटेगा फटेगा नहीं, आपको अच्छे से इजी तरीके से निकल जाएगा। तो देखिए एक निकाल के दिखाती हूँ, देख सकते हैं अगर मैं ज़बरदस्ती इसको निकाल रही हूँ तो उसका स्टिक निकल गया, इसलिए इसको कैंची से काट दीजिए और निकाल लीजिए। तो इस तरह से मैं सारी आइसक्रीम के यहाँ पर निकाल के रेडी कर लेती हूँ, और बहुत ही बढ़िया मटका कुल्फी फ्रेंड्स बन के रेडी हो गया है। हमें किसी सांचे की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना किसी मोल्ड की, फिर भी हमारी मटका कुल्फी बन के रेडी हो गई है, और सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से बनाकर हमने रेडी किया है। कोई काजू पिस्ता बादाम नहीं हमने इसमें यूज किया है। आप पिस्ता बादाम भी डाल सकते हैं, लेकिन नहीं भी रहेगा तो भी आप इस तरह से मटका कुल्फी बना सकते हैं बहुत ईजी तरीके से, और बहुत ही बढ़िया। और देख सकते हैं कितनी गाढ़ी बनी हुई है, मोटी बनी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा, खाने में काफ़ी टेस्टी है। तो आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, मटका कुल्फी बनाएं, खाएं, और आप अपना अनुभव मुझसे शेयर करें कि आपकी मटका कुल्फी कैसी बनी। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट रेसिपी के साथ।